गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ ये टीनेजर्स बर्थडे पार्टी मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए ये लुक को क्रिएट किया है। अगर आप कहीं अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी में या गेट टुगेदर में जा रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत ही परफेक्ट मेकअप है एंड बहुत सिंपल है। आई मेकअप मैंने थोड़ा सा किया हुआ है। अगर आप आई मेकअप में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ लाइनर लगा के पोर लाइनर लगा सकते हैं एंड वो भी बहुत प्यारा लगेगा। बट मैंने यहाँ पे किसी को मतलब आई मेकअप करना है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे आई मेकअप भी किया। सो चलिए गाइज देख लेते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। एंड उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है। सो गाइज़ यहाँ पे मैं सबसे पहले कलर बार का ये प्राइमर लगाऊंगी। गाइज मैंने यहाँ पे CTM कर लिया था, टोनर मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने अपने फेस में पहले ही लगा लिया था ऑफ कैमरा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है आपके ओपन पोर्स वगैरह को क्लोज करने के लिए। एंड अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप करने से पहले, फाउंडेशन लगाने से पहले मेक श्योर कि आप प्राइमर ज़रूर लगाएं। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये कंसीलर है, इसको अपने पूरे फेस में फाउंडेशन की तरह लगाया। मैंने यहाँ पे कोई भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। अगर आप बीबी क्रीम वगैरह फाउंडेशन यूज़ करना चाहते तो आप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कंसीलर यूज़ किया। एंड ये बहुत अच्छा कंसीलर है, मुझे पूरा अच्छा मतलब एक अच्छा कवरेज दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर मेबेलिन का ये फिट मी कॉम्पैक्ट है, इसे लगाया है। एंड गाइस आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि अब थोड़ी सी ठंडी आ रही है तो आप कॉम्पैक्ट थोड़ा सा कम लगाएं या कम यूज़ करें, बिकॉज़ आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपका फेस और ड्राई हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप थोड़ा कॉम्पैक्ट कम लगाएं। देन उसके बाद मैंने यहाँ वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट है, उसकी हेल्प से अपने आईब्रो को अच्छे से फिल इन कर लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर गाइस फॉकलर का सो हॉट पैलेट लिया हुआ है एंड इसमें से ये पीची एंड पीच कलर है, एंड डार्क पीच एंड लाइट पीच कलर है। दोनों को पिक करते हुए अपनी क्रीज में और आउटर वी पे फोकस करते हुए अच्छे से मैं इसे लगा लूँगी एंड अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद उसी पैलेट से ये थोड़ा सा बटरी शिमर, मतलब ये इसके जो पिगमेंटेशन है ना गाइस बहुत अच्छी, एकदम बटरी टाइप के, देखिए आप। एंड ये बिल्कुल भी चौकी नहीं लगते, बहुत अच्छे शिमर कलर हैं ये। फिर मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर से अपने मिडिल आईलेट तक मैं यहाँ पे ये सिल्वरी पिंकिश ही सिल्वरी कलर है इसको लगा लूँगी। देन उसके बाद मैं जो भी एक्से मतलब जो अपनी क्रीज है उसे अच्छे से मतलब ब्लेंड कर लूँगी, बिकॉज अलग से कुछ ऐसा लगे ना। देन उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन में भी वही कलर को ब्रश की हेल्प से लगा लिया है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टिक वर्की का लाइनर लिया है। एंड मैं यहाँ पे गाइस विंग नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आई मेकअप किया है, ज़्यादा लॉन्ग विंग नहीं करूँगी। अगर आप आई मेकअप नहीं कर रहे हैं ना सो ओनली फॉर विंग अच्छा बोल्ड लाइनर लगा लीजिए, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। बट मैंने यहाँ मेकअप को पूरा मतलब मैंने पूरा मेकअप लुक शेयर करी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई मेकअप भी किया है। एंड इस तरीके से मैं लाइनर लगा लूँगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पर मेबेलिन का ये मस्कारा इसे लगा लूँगी, 3-4 कोट। अगर आप यहाँ फेक लैसेस यूज़ नहीं करें तो 3-4 कोट अच्छे से लगा लें ताकि आपकी जो लैशेस हैं अच्छे से कर्ल होके दिखे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे शिवाना कलर पैलेट ब्रॉन्जर एंड ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट लिया है, इसकी हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। अगर आज आप गाइस कॉन्टोर नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते, अगर आपके पास ऐसा पैलेट नहीं है सो आप यहाँ पे लिपस्टिक लगा के अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ये स्टेप को ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज ये स्टेप को फॉलो करने से आपका एक फेस जो है ना बहुत प्यारा लगता है, बहुत पतला लगता है, एकदम बहुत ही सुंदर लगता है। सो उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर ब्लश अप्लाई करूँगी, एकदम हल्का हल्का ब्लश अप्लाई करूँगी। एंड मैंने कॉन्टोर वगैरह भी बहुत हल्का हल्का अप्लाई किया, बिकॉज ये एक बर्थडे पार्टी मेकअप लुक है तो ज़्यादा हैवी नहीं करूँगी मैं। देन उसके बाद वही उसी पैलेट से हाईलाइटर कलर को लेके अपने पूरे फेस में अच्छे से हाईलाइटिंग, जहाँ जहाँ मैं लगाती हूँ वहाँ वहाँ मैं अच्छे से हाईलाइटिंग कर लूँगी। अपने इनर कॉर्नर्स को भी उसी हाईलाइट की हेल्प से इनर कॉर्नर को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB की लिप क्रेयन है ये लूँगी, एंड ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था।
अगर आप कुछ लिक्विड लिपस्टिक वगैरह लगाना चाहते हैं बिकॉज़ आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो आप कुछ खाएंगे पियेंगे, सो मेक श्योर कि आप लिक्विड लिपस्टिक ही लगाएं। सो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, होप यू गाइज़ ये लुक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। सो गाइज़ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कोई वीडियो सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट।